दोस्तों, आज आपको हम जिस जगह ले चल रहे हैं वो विख्यात है अपने पौराणिक महत्व के कारण, और इसकी यह पहचान सुप्रसिद्ध भी है। तो आइए हमारे साथ चलिए एक पौराणिक यात्रा पर, जहां आपको देखने को मिलेगा वो मंदिर जिसे रामायण के पात्र बाणासुर नामक राक्षस ने स्थापित किया था। तो आइए आप चलते हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग से। आज कानपुर देहात के उस जगह हम लोग मौजूद हैं जहां की अपनी एक कहानी है, अपना एक माहौल है और अपना एक खुद का इतिहास है जो कि बहुत समृद्ध है। और जानेंगे इस मंदिर की क्या एक खासियत है और क्या है यहाँ का इतिहास। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के आप मंदिर का पुजारी मान सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? सुनान साधुपुरी गोस्वामी। कुछ बताइए यहाँ की महिमा, हमने सुनी तो बहुत है लेकिन हम आपसे एक बार जानना चाहेंगे। इसको शंकर जी बाणासुर को लाए थे जी, जो है ना, ये कैलाश पर्वत पे इनकी लड़की उषा पूजा करने जाती थी जी। एक दिन जब लड़की नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि बिटिया कहाँ जाती, तो उन्होंने कहा कि हम शंकर जी को पूजने जाते हैं कैलाश पर्वत पे। तो उन्होंने कहा अब मत जाना, हम यहीं हिला देंगे। जो बाणासुर गया घोर तपस्या करने के बाद जो है उनको प्रसन्न किया, प्रसन्न होने के बाद जो है प्रसन्न हो गया, मेरी शर्त हो गई कि जहाँ रख दोगे हम दोबारा यहाँ से उठेंगे नहीं। हाँ, तो जब वो चले वहाँ से बाबा शंकर जी, तो जो है अब बाणासुर रखने वाला नहीं था, तो इनकी उसने लव संख्या बढ़ा दी, मतलब पेशाब बढ़ा दी, लघु शंका आ गई लव संख्या बाणासुर को। बाणासुर को फिर उनको एक ब्राह्मण के रूप में बालक बना के भेजा, तो उसने उनको कहा कि उन्हें हाथ लगा लो, हम लव संख्या कर लें। उसने कहा ठीक है, उन्होंने हाथ लगा लिया। इसके बाद लव संख्या बंदे नहीं, उसको रखना पड़ा नीचे। अच्छा, बाबा को तो बाबा तब तक यहाँ से विराजमान है, यहाँ 5 विश्वा काशी है। हाँ। और प्रतिदिन मुहूर्त ये पूजी भी मिलती है, सुबह सुबह 12 बजे के बाद आप आओगे तो लाल तुमको पूजी भी मिलेगी। कौन आ जाता है? हाँ? पूजा कर जाता है, उषा लड़की करती है पूजा। अच्छा, आज भी? हाँ, पूजा होती है। पूजा, पूजा, ये सच है, वास्तविकता है क्या? आप तो अभी गौरव चैनल वाले आए थे, ताला लगवाओ रात में। हाँ। सुबह खुलवाया तो लाल पूजी भी मिली थी, पूजी भी मिली। हाँ। आइए हम लोग एक बार दर्शन करते हैं भगवान जी का। और ये और कुछ बाबा जी, जो लोग ऐसा हो जो जानना चाहे, लोग जानना चाहेंगे। बाबा जी, हमने सुना है कि यहाँ जो इनकी महिमा है, कहा है किसी ने हमसे बताया कि दोनों हाथों से अगर बाबा को कौरिया हो, मतलब आलिंगन करो, तो उसकी क्या है, मतलब वो क्या पूरी बात है? आप निवान करके आओगे तो लाट को अंदर नहीं कर पाओगे। अच्छा। हाँ, और जिसे आप कर लीजिए आ जाएंगे। अगर हम अभिमान करें कि हम तो बाबा को कौरिया ही लेंगे। हाँ। तब नहीं होगा। हाँ। ऐसे जो है आप निकाल ले तो आ जाएंगे। ऐसा कभी कुछ हुआ है इस मंदिर में? ईसा बार हुआ है। जैसे? हाँ, कई आदमी आते हैं हनुमान करके। हाँ, हाथ जोड़ पाते हैं, अब ऐसे चले जाओ अपना जोड़ जुड़े। अच्छा। हाँ भाई, 1 लाख ये 6 लाख में नीचे और है इसके नीचे। हाँ, अंग्रेजों ने इस पर चलवाया था, घन की चलती है ना। हाँ, तो भैया अंग्रेजों ने इस पर घन चलवाया था। हाँ, कम से कम 2 लाख 3 लाख अभी भी शिवरात्रि के दिन भीड़ होती है। क्यों होती है? उनसे मनोकामना पूरी होती है। तो कथा कराता है, कोई भंडारा कराता है, कुछ कुछ करा होता है, तो उससे आस्था लगी है। बाबा में इतनी शक्ति है कि आज भी हमारे यहाँ से झूठी कसम अगर पूरी उठा ली तो 7 दिन में प्रणाम हो जाता है। 8 दिन में परिणाम दिख जाता है। एक हमारे गाँव में पाल भैंस बेची। हाँ, तो उसमें 100 की जगह जो बड़ा लोग है 50 का चल रहा है वो लगा दिया। हाँ, उसने सुबह कहा तो नहीं मालूम तैयार हुए। हाँ, यहाँ कसम थी, आपने तो लड़का गुजर गया और उनकी बहन भी गुजरी, झूठी कसम भाई भी है, केवल 50 हो जाते बाबा को झूठ बर्दाश्त नहीं, अभिमान बर्दाश्त नहीं।
जी और इसकी ख्याति भी बहुत है। तो इसका विकास क्यों नहीं हो पाया? विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ट्रस्ट नहीं बना है जी। जो है यहीं की पुजारी देख रेख भाल करते हैं, जो चलता रोलता देते अपना पालन पोषण करते हैं, बाहरी पैसा नहीं आता। मतलब सरकार इसकी कोई देख रेख नहीं कर रही है फिलहाल? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। और ये ऐसे शुरुआत से? शुरुआत से है, राजनाथ सिंह ने दिया था 4 लाख रुपया जब मुख्यमंत्री बने थे। ये तो बहुत पुरानी बात है। तब से यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद से कुछ नहीं, तभी ये व्यवस्था है। और यहाँ पे जबकि मेले में भारी संख्या में लोग आते हैं सावन के दौरान, तो बहुत सारा अनुष्ठान और यहाँ पे बड़ा उपलक्ष्य होता है, तो उसके बावजूद ये सरकार की नज़र से ओझल है मंदिर? सरकार की निगाह पर तक तो पहुँच चुका है ना, मगर अभी यहाँ कोई नहीं सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं। ये भी एक समस्या है। और सभी लोगों का मानना होता है कि जहाँ जनसमूह इकट्ठा होता है वहाँ पर सरकार की नज़र पड़ती है और विकास तो हो ही जाता है किसी भी तरह। लेकिन इस मंदिर की एक अजीब सी यहाँ दास्तान आपको देखने को मिलेगी। सावन के पूरे माह में यहाँ मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी हम आपको मंदिर का पूरा परिक्षेत्र दिखाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इस मंदिर का विकास आज तक अवरुद्ध है। हमारी कोशिश होगी, और आप लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, हमारी शायद पहुंच थोड़ी कम पड़ जाए। आप लोग यदि शेयर करेंगे तो इस मंदिर का विकास निश्चित होगा।